हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 23 नवंबर और अभी सुबह के बज रहे 6। अभी मैंने जस्ट यहाँ से अपनी कार को पार्किंग में से निकाला और ये हमारे दयाशंकर जी है जो हमेशा मुझे कार निकाल के देते हैं। तो बेसिकली ठीक है दया जी, थैंक यू। तो बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ नासिक और ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं हमारे मास्टर्स इन वन पॉडकास्ट के रिलेटेड। तो अभी क्या है ना कि आपको अगर याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था कार में, एक हमने पॉडकास्ट किया था और अभी और एक मैं सोच रहा हूँ कि करते हैं, तो उसी के लिए हम लोग नासिक जा रहे हैं। तो चलिए फिर वहाँ पे जाके मिलता हूँ और आगे जाके चेतन को भी पिक करना है। तो अभी आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाता हूँ, तो बस ये वही है, आगे जाके चेतन को पिक करते हैं और देखते हैं कैसा जाता है आज का हमारा ये दिन। ये चेतन देखो यहाँ पे खड़ा है, ये रहा चेतन। और जनरली हम लोग कभी भी मॉर्निंग में ऐसे जाते हैं ना, तो चेतन और मैं ऑन डॉट टाइम में ही रहते हैं। मैंने इसको कल बोला था कि 6:15 के आसपास में तेरे यहाँ पे आ जाऊँगा। 6:20 हुआ है, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अभी जाएंगे। चेतन सब तूने ले लिया जो भी सामान लेना? हाँ, 3 बैग हो गया दो भी। ओके, तो बस ये एक तो यहाँ पे मेरा बैग है, एक मैंने उनके लिए मिठाई लिया है, और जो कैमरा इक्विपमेंट का बैग है ना वो टोटल 3 हो गया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कैमराज होते हैं, माइक्स होते हैं, फिर एक बैकअप में और एक कैमरा होता है, तो बैकअप का भी बैकअप, ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी बस हो गया है, अभी मैप लगाते हैं यहाँ से और शायद 5-1 घंटा लगेगा, तो 5 घंटे में पहुँचते हैं नासिक। और रस्ते में कुछ अच्छा दिखा या कुछ होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हमें पेट्रोल पम्प में जाना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 65 किलोमीटर चलने वाली है और ये मेरे टायर के प्रेशर भी लो बता रही है, तो ज्यादा मेरी गाड़ी अभी चलती नहीं है तो इस वजह से बता रहे हैं। अभी फ्यूल तो रिफिल करा दिया है और हवा भी भर दी है, बट पता नहीं अभी भी क्यों यहाँ पे ये आ रहा है, देखते आगे लो प्रेशर का ये कब जाएगा। सुबह 6 बजे आओ के रात को 10 बजे आओ, ये जो भिवंडी वाला एरिया है, जो भिवंडी से यहाँ पे रास्ता बाईपास करता है, मेरे ख्याल से मानकोली ब्रिज, राइट चेतन? मानकोली ब्रिज के यहाँ पे हमेशा आपको दिखा ये ट्रैफिक का, यहाँ पे आपको हमेशा ये लेन में, मतलब ये जो लाइन है ना वो लाइन में आपको हमेशा ट्रैफिक मिलता ही है। आज मैं ऐसा सोचता था कि शायद यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा तो अच्छे से निकल जाएंगे। एक तो अगर आपको नासिक साइड जाना है या फिर यहाँ पे जाना है तो ये वाले एरिया पे ट्रैफिक होता है, दूसरा आपको गुजरात साइड जाना है, सूरत अहमदाबाद या कोई भी गुजरात साइड में, तो आपको घोड़बंदर रोड वाले के यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। वहाँ पे मैंने सुना है नया ब्रिज तो बनाया बट फिर भी ट्रैफिक वैसा ही है। और अभी सनराइज के मज़े लेते हुए, फिलहाल तो अभी अच्छा एक सनराइज हम लोगों को दिख रहा है, देखते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग 10:30 तक पहुँच जाएंगे, हम लोग बीच में एक आधे एक घंटे का ब्रेक भी लेंगे तो शायद 11 और 11:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या है। और मैंने अभी आप तो अभी तक आप लोगों को ये नहीं बताया ना कि हम लोग किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। और हम लोग जिसके पास जा रहे हैं उसने रिसेंटली अभी नई ऑफिस भी बनाई है अपने लिए, तो वो भी आप लोगों को। चलो फाइनली ट्रैफिक का पार्ट खत्म हुआ, अभी आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता करने का मन हो रहा है बट कुछ अच्छी जगह आगे मिलेगी, आई थिंक आगे श्रीदत्त आता है तो वहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, मतलब एक स्टॉप लेंगे और खाएंगे। फिलहाल तो ट्रैफिक खत्म हो गई, हम लोग यहाँ पे श्रीदत्त पे रुके हैं और जस्ट यहाँ पे वॉशरूम करने के लिए आए थे। मैंने देखा यहाँ पे इन्होंने पीछे ऐसे थोड़ा फार्मिंग जैसा किया है, ये मैंने पहली बार ऐसा पपीये का झाड़ देखा है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये हो गए, तो इट्स गुड, अच्छा है। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। पूरा इन्होंने ना यहाँ पे उनके बैक साइड में इन्होंने ऐसा फार्मिंग जैसा बनाया है, तो अच्छी बात है, थोड़ा मुझे गार्डनिंग पसंद भी है तो ऐसा देख के अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने लिया है 2 वड़ा पाव, चेतन ने लिया है मेदू वड़ा और अभी ये श्रीदत्त है, तो मेरा जो ट्रेनर है वो शायद देख के गुस्सा करेगा, बट सॉरी मनप्रीत, बाहर आते हैं तो ये तो मतलब श्रीदत्त का वड़ा पाव तो बहुत अच्छा रहता है, तो बस ऐसे ही हम लोग अभी यहाँ पे खा रहे हैं।
अब हमने चाय भी ऑर्डर किया है, बट ये खाने के बाद चाय लेके आएंगे। और यहाँ पे क्या ठंडी लग रहा है ना, तू क्या बोल रहा था? हाँ, तो मतलब हमारे यहाँ पे ना मुंबई में क्या है ना, ठंडी होता नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक आधा हफ्ता वो दिसंबर का एक ऐसा वीक होता है जब ठंडी थोड़ा बहुत आता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ वो भी 22 डिग्री वाला। बट यहाँ पे ठंडी थोड़ा ठीक है, मतलब एकदम प्लेजेंट क्लाइमेट है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे तो हम लोग, मतलब अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो ना, तो मेरे लिए तो एक बहाना होता है कि ऐसे रुकना है, खाना है। आप यहाँ पे देखो हाईवे के पास ऐसे बैठ के मज़ा आता है। तो अभी हम लोग ये खाना एंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी का कांच जो है ना वो बहुत ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा क्लीन कर देते हैं, और क्लीन कांच में चलाने का मज़ा कुछ और ही आता है। तो बस अभी यहाँ पे कितना बजा है, 8:45 हुआ है, थोड़ी देर में मार्केट भी चालू हो जाएगा। और आज 23rd है, आज कौन सा डे है? आज थर्सडे। थर्सडे है, हाँ, तो थर्सडे भी है और मार्केट भी शुरू होगा। तो मेरे को कुछ ऑर्डर्स रखने हैं स्टार्टिंग में, वो हम लोग अभी यहाँ से निकल जाएंगे, फिर आगे हम लोग साइड पे कहीं पे रुक के ऑर्डर वगैरह रख देंगे। बस ये सिर्फ आगे का कांच और पीछे का कांच साफ करते हैं और फिर निकलते हैं। आगे का मैंने किया, पीछे का इसने किया, हम लोग ने पूरा क्लीन कर दिया है। मार्केट यहाँ पे खुल गया है और अभी 9:18 हुआ है। हम लोग ने एक रोड के किसी एक साइड पे हम लोग ने रोका है, और मैंने अपने मतलब ये है मेरे जो भी पोजीशन है ना, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मैं एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। तो मेरी बैंक निफ्टी अभी शॉर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 लॉट शॉर्ट है, और मैंने उसका स्टॉप लॉस रखा है और बाय करने भी रखा है। और एक मेरा टाटा मोटर का पोजीशन ओपन है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वो मैंने अपने वेनसडे वाले स्विंग ट्रेडिंग में बताया था। और सन फार्मा का भी पोजीशन ओपन है, ये भी मैंने अपने वेनसडे वाले स्विंग में बताया था। इवन HDFC लाइफ भी मेरा ओपन है, वो मैंने स्विंग ट्रेडिंग में बताया था वेनसडे वाले वीडियो में। उसके बाद एक आइशर मोटर है, ये एक ABFRL एक पोजिशनल ट्रेड है, उसमें अभी लॉस हो रहा है। ये ऑप्शन में मैंने जैसे बैंक निफ्टी शॉर्ट था ना यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज मार्केट गैप अप खुलेगा, तो मैंने एक हेज में अभी तक कॉल ओपन रखा है, उसको मैं बेच दूंगा अगर मेरे को ठीक नहीं लगेगा तो। तो फिलहाल टाटा मोटर का स्टॉप लॉस रखा है, बैंक निफ्टी का रखा है, और टेक महिंद्रा मेरे मतलब अगर आप मेरे सिंगापुर से व्लॉग देख रहे हो तो आप लोगों को पता है कि मैं टेक महिंद्रा में बहुत टाइम से अच्छी क्वांटिटी में एंटर होता हूँ, फिर थोड़ा बहुत स्लो डाउन भी कर देता हूँ, कम भी कर देता हूँ। तो टेक महिंद्रा में अभी मेरे 4 लॉट ओपन है, जिसमें से मैंने फिलहाल 1 लॉट का टारगेट रखा है। और कैश पोजीशन में मेरे पास चेन्नई पेट्रो, GPIL, ग्लैंड फार्मा, मारुति, मन में मतलब और पावर इंडिया, वो कार्ड फार्मा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इक्विटी में अभी मेरा नॉशनल प्रॉफिट 10,92,000 है। और अगर आप मेरी ये वाली पोजीशन देखोगे तो अभी 3,20,000 रुपया मिल रहा है, बट ये नॉशनल है, अभी तक मैंने बुक नहीं किया है। तो देखो मेरा ट्रेडिंग है ना बहुत सिंपल होता है, मैं सुबह आधा घंटा अगर ध्यान दूंगा तो बस है, और मार्केट क्लोज होने के टाइम पे आधा घंटा या 15-20 मिनट, बाकी ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। मोस्टली मेरे काम शॉर्ट टर्म होते हैं, और जो भी मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया HDFC लाइफ है, सन फार्मा है, टाटा मोटर है, ये तो मैंने अपने वेनसडे वाले मतलब एक वीडियो में शेयर भी किया था। तो ये स्विंग ट्रेड लेता हूँ तो उसके स्टॉप लॉस भी रख देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप इसी तरीके से ट्रेड करोगे तो आप लोगों को भी मतलब ज़्यादा बेटर होगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे पूरे पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और मेहनत करते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। अभी हम लोग यहाँ पे मतलब पता नहीं कौन से तो एरिया में हैं, अभी हम लोग जब घर से निकले थे तब ऐसा दिख रहा था कि 10:30 तक पहुँच जाएंगे, 10:15 तक, पर अभी शायद हम लोग 11:30 तक, राइट, 11:30 तक पहुँचे। और ये मेरा फ़ोन से मैं शूट करता हूँ, पर अभी बताने के लिए चेतन के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, और चेतन ने भी अपने ऑर्डर रखे हैं। मैं चेतन का भी आप लोगों को बताता हूँ, वो फ़ोन से यहाँ से शिफ्ट करके वो फ़ोन, तूने जो ट्रेड रखा है वो दिखा अभी ज़रा। तो जैसे ये आप लोग देख सकते हो, चेतन है ना सेम जो मेरी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी है ना, वो सेम चेतन फॉलो करता है। बट देखो पोजीशन साइजिंग में आप लोगों को बोलता हूँ ना, ये चेतन उसको फॉलो करता है, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको बोला है। और अगर वो पोजीशन साइजिंग फॉलो नहीं करेगा तो प्रॉब्लम भी होगी।
अब उसके पास जो पैसे है वो दो लॉट के हिसाब से, मतलब इसके अकाउंट में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 1,47,000 अभी फ्री पड़े हैं और इसने टोटल 3,00,000 डाला था। तो 3,00,000 में चेतन तू सिर्फ कितने लॉट कर रहा है 3,00,000 में? दो लॉट। क्यों चार नहीं कर रहा है? चार कर सकता है तू, मार्जिन बढ़ने से M2M के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चेतन को मैंने बात बताई थी, तो चेतन अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ दो लॉट में फिलहाल फॉलो कर रहा है। लैपटॉप पकड़ गिर गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो उसने भी बैंक निफ्टी का वही स्टॉप लॉस रखा है जो मैंने रखा था। तो यही बात है, पकड़ी मैंने, यही बात है कि अगर आप प्रॉपर पोजीशन साइजिंग रखोगे और अच्छे से काम करोगे तो आप अच्छे से, मतलब स्लो पैसा बनेगा, बट अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, पोजीशन साइजिंग सही होगा, रिस्क मैनेजमेंट सही होगा, तो सब बराबर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट हाई मार रहा है, तो मेरी बैंक निफ्टी की एक्चुअल जो वो प्रोसेस वाली स्ट्रैटेजी है ना वो शॉर्ट है। और मैंने कभी कभी यू नो अपने को पता होता है, इतना एक्सपीरियंस है तो मुझे ऐसा लगता है शायद मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने वो बैकअप के लिए कॉल लेके रखे। अभी देखते क्या होता है। अभी आप लोगों को तो ये पोजीशन बताया ही है तो आगे भी आप देख सकते रहो। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नासिक और अभी 12:50 हुआ है। हम लोग 11:30 तक पहुंच गए थे, बीच में एक जगह पे रुके भी थे मानस रिसोर्ट में, कुछ मेरे को पूछना था उसके लिए। और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं विजय जी की ऑफिस में, विजय ठाकरे जी की। और विजय जी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मुझे बताना, ये नासिक का फर्स्ट प्रॉप डेस्क है, राइट? यस जी, मेरे को जानकारी है उससे तो, मतलब अगर आप नासिक से हो तो आप बताना कि किसी और का है क्या प्रॉप डेस्क यहाँ पे, बट नासिक सिटी का ये फर्स्ट प्रॉप डेस्क है। और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे किसी दोस्त ने प्रॉप डेस्क बनाया है। और यहाँ पे अभी इतने ट्रेडर है, कुछ ट्रेडर तो नहीं आए हैं, बट फिर भी आपको विजय जी पूरा ऑफिस बता देंगे। विजय जी, ओवर टू यू, आप बताइए। थैंक यू। तो ये हमारा प्रॉप डेस्क है, हमने बस हाल ही में शुरू किया है, 4 महीने पहले शुरू किया था। और यहाँ पे अभी हमारे पास 15 ट्रेडर्स हैं, हम ऑप्शंस में ही काम करते हैं मोस्टली, और अच्छा चल रहा है, शुरुआती है तो थोड़ा सीख रहे हैं। बताइए कौन क्या करता है क्या? हाँ, मोस्टली तो जैसे मैं स्ट्रैटेजी जो फॉलो करता हूँ ऑप्शन बाइंग, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग करते हैं। कुछ ट्रेडर्स हैं जो सेलिंग करते हैं, उसमें स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स हो गया या फिर एक्सपायरी के जो ट्रेड होते हैं वो लोग करते हैं, और बाकी लोग ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग या फिर कुछ लोग मोमेंटम भी करते हैं। तो विजय जी, एक आपका ऑफिस का एक हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए, आपकी ऑफिस कैसी है, क्या है? अभी इन्होंने रिसेंटली ये ऑफिस को बनाया है, राइट? हाँ, रिसेंटली बनाया है। और ये ऑलमोस्ट टोटल एरिया 3,000 square feet है, उसमें हमने 45 सीट्स है। अभी तक हमने और लोग रिक्रूट नहीं किया क्योंकि ये हमारे लिए भी एक सीखने का ये तरीका नया है हमारे लिए, तो 4 ही महीने में, इसलिए हमने पहले 10-15 लोगों के साथ हम सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, जैसे बोलते हैं ना सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम पहले 10-15 लोगों के साथ ट्रायल एंड एरर या फिर क्या मिस्टेक्स होती है, इसमें से क्या सीखने को मिलता है, ये सारा देखने के बाद फिर हम उसको ग्रो करने के लिए सोच रहे हैं। सही है। तो बस अभी यहाँ आए हैं यहाँ पे, और ये इनका ऑफिस है, अच्छा है, अभी थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग हमारा जो वीडियो शूट करना है वो करेंगे। वैसे अगर आपको पता नहीं है तो हमारे चैनल पे विजय जी के साथ एक हमने पॉडकास्ट पहले भी शूट किया था, और अगर आपको वो देखना है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और आज हम लोग स्पेशली आए भी उसी लिए है कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया ना विजय भाई, तो 1 साल बाद हो गया, अभी विजय भाई में क्या चेंजेस आया है, अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन्होंने बदला है, इतना बड़ा थोड़ा वेट लॉस हो गया बट लग नहीं रहा है। तो कुछ मतलब अगर कोई पर्सन ने प्रॉप डेस्क डाला है तो बहुत कुछ किया है ना उसने लाइफ में, तो हम लोग उनके आज ये मतलब कैजुअल एक वीडियो बनाएंगे और वो बाद में आ जाएगा, पहले ये ब्लॉग आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूम है विजय जी के ऑफिस का वो ये है, और विजय जी ने मुझे क्या बोला, क्या है ये रूम? वॉर रूम इसलिए क्योंकि करण जी, राइट, करण जी विजय जी के यहाँ पे पार्टनर है, और ये पूरा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो भी बैठे हैं वो सारे लोग, मतलब आप ओवरऑल सारे लोगों का कंट्रोल यहाँ पे होता है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सारा कंट्रोल यहाँ पे होता है। तो क्या रिस्क मैनेजमेंट, मतलब क्या रिस्क मैनेजमेंट, यानी समझो उसका कैपिटल कितना है, उसका डिप्लॉयड कैपिटल कितना है दिन का, उसका दिन का स्टॉप लॉस कितना है, उसका दिन का क्वांटिटी लिमिट कितना है,
उसका अभी प्रॉफिट क्या चल रहा है, उसका कुछ लॉस तो मतलब विजय भाई इतने प्रोफेशनल ट्रेडर भी गलती कर सकते हैं 100% ट्रेडिंग आपको भी पता है कि ट्रेडिंग ये नहीं कि आपको परफेक्ट होना है, ट्रेडिंग ये है कि अगर गलती हो तो छोटी हो और प्रॉफिट हो तो बड़ा हो। तो मतलब अगर किसी ट्रेडर की एक डे लिमिट से ऊपर उसका लॉस हो रहा है तो आप यहाँ से तो इसलिए वो ट्रेड दिन का शुरू करता है उसके पहले उसको पता होता है कि उसको क्वांटिटी का लिमिट कितना है दिन का और उसको दिन का स्टॉप लॉस कितना, तो वो उस हिसाब से ही ट्रेड लेता है। क्योंकि क्या है जब उसको ये समझेगा कि हाँ अगर मेरा ये दिन का लिमिट है तो मेरे को ये लिमिट के अंदर ही रहना है, तो जब मेरे को लिमिट के अंदर रहना है तो मेरे को क्वांटिटी भी पोजीशन साइजिंग भी वैसे करना है और मेरे को मेरा रिस्क भी मैनेज वैसे करना है। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है आप भी अपने इतने सालों से ट्रेडिंग करते हम पैसा खोते इसलिए नहीं क्योंकि हमारा ट्रेड गलत होता है, हम पैसा बड़ा तब खोते जब हमारा पोजीशन साइजिंग गलत होता है। वो तो बात सही है। तो ये मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कंटिन्यूसली बताता ही रहता हूँ। क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी 1000 क्वांटिटी लेने की है और आपने 5000 क्वांटिटी ले लिया और आपके अगेंस्ट थोड़ा भी मार्केट गया ना तो फिर पैनिक होता है। बट बस जस्ट एक चीज आपको बतानी थी, वैसे ये ब्लॉग है बट फिर भी आपको यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और जो वीडियो यहाँ पे हम लोग अभी शूट करने वाले उसके अंदर तो आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बस यही चीज बतानी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। जो बड़े बड़े प्रॉप डेस्क चलाते हैं वो स्पेशली बहुत ज्यादा, मतलब आपको तो बहुत ज्यादा रखना चाहिए और उन्होंने एक डेडिकेटेड यहाँ पे पर्सन रखा है जो ये सारी चीजों का ध्यान रखता है। तो मतलब सोचो आपके ऊपर एक पर्सन बैठा है, ऐसे आप सोचो। अभी बज रहे हैं 5:30 और हम लोग जो विजय जी का एक वीडियो शूट करना था वो शूट करके आ गए हैं और मज़ा आया। अभी वापस से ऑफिस में आया, यहाँ पे हमने चाय वगैरह पिया, तो थैंक यू विजय भाई, अच्छा लगा आपके साथ। और अभी आप कभी मुंबई आओगे तो वापस से बताना, हम लोग वापस मिलेंगे। तो अभी रात के बजे है 9:33 और हम लोग ने अभी वहाँ पे ब्रेक लिया था एक चाय के लिए, तो आप लोग ने वहाँ पे थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह किया था। बट अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये दाराज ढाबा करके एक जगह है, यहाँ पे मुझे और चेतन को ज़्यादा तो भूख नहीं लगी थी बट थोड़ी बहुत भूख लगी थी, तो हम लोग ने सोचा कि दाल राइस खा लेते हैं, तो हम लोग ने वो खा लिया है। और अभी आज का पूरा दिन है ना बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं अगर आपको बोलूँ ना तो मैं तो विजय ठाकरे जी से बहुत इंस्पायर्ड हुआ कि उन्होंने अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल और ऊपर लेके आए हैं, तो वो भी एक अच्छा था। और चेतन तेरा कैसा था आज का दिन, कैसा लगा विजय जी का ऑफिस, सही था? वैसे ऑफिस अच्छा बनाया ना उन्होंने, वैसे वो भी बहुत अच्छा ऑफिस था और ये सब था। अभी आप लोगों को सिर्फ मैं ये दिखा देता हूँ मेरी जो पोजीशन थी जो आज हम लोग ने मॉर्निंग में देखी थी, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या चेंजेस हुआ है उसमें। ये तो इक्विटी का वैसा ही है, ये देखो ये एक सेकेंड, हाँ तो ये बैंक निफ्टी जो था वो अभी भी ओपन ही है शॉर्ट। ये भी FRL मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था जो लॉस हो रहा था, पर आज इसने ऑलमोस्ट 5-6% ऊपर आया है, तो ये तो मेरा पोजिशनल ट्रेड है, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। आयशर मोटर जो था वो ओपन है, HDFC लाइफ मॉर्निंग में कुछ 20,000 प्रॉफिट हो रहा था, अभी बाद में इंट्राडे नीचे आ गया। सन फार्मा भी थोड़ा नीचे आया है। टाटा मोटर में हमने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, अगर आप ये ऑर्डर हिस्ट्री में देखोगे तो अपने सारे जो भी स्टॉप लॉस वगैरह थे वो कैंसिल हो गए, तो वो चीज़ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसके बाद है ना ये टेक महिंद्रा तो ओपन ही है। ये बैंक निफ्टी का जो कॉल मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था उसको मैंने सेम हैज रखा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वही प्राइस के आसपास बंद हुआ है। और ये हम लोग ने मतलब रस्ते में हमने एक ट्रेड टाइम पास इनिशिएट किया था हिंद पेट्रो का, तो उसमें 7,000 रुपये का कुछ प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल आज का M2M जो नॉशनल M2M है वो 3,00,000 है और बुक में ये 7,000 है। और इक्विटी की पोजीशन तो वही है जो मॉर्निंग में आप लोगों को दिखा रहा था मैं, आज का गेन 41,000 है। सो बेसिकली यू नो मैं आप लोगों को ये दिखा के ये नहीं बताना चाहता कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ फिर से एक बार कि अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग को प्रॉपर रखो,
अच्छे से काम करो। तो देखो आज हम लोग मॉर्निंग में सुबह ऑलमोस्ट मैं घर से 6 बजे निकला था, 6:20 को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था अंधेरी से, नासिक गए आए, अभी मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर ही मुंबई है, पहुँच जाएंगे घर पे। पर पूरा दिन इजीली काम भी हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा मार्केट को देख रहा था, मैं अपने काम पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा था जिस काम के लिए हम लोग नासिक गए थे। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इसका भी जो बैंक निफ्टी का पोजिशन है, मैं इसके ही फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो उसका भी ऑब्वियसली स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ जब मेरा हिट नहीं हुआ। तो बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। और अभी ऑलमोस्ट लेट हो गया है घर पहुँचते वक्त, शायद और आधा एक घंटा लगेगा, तो मैं वहाँ पे फिर से वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोल रहा था कि अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है और आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ब्लॉग बनाते रहूँ, तो आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर करिए, और अगर पसंद आते तो लाइक भी कर दिया करिए। मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बस यही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो आज हम लोग ने वीडियो बनाया है चेतन, वो कब तक वीडियो पोस्ट हो जाएगा चैनल पे? ये नेक्स्ट मंथ आएगा, दिसंबर के सेकंड वीक, दिसंबर के मतलब फर्स्ट या सेकंड वीक में। ओके, तो वो विजय जी का वीडियो भी आएगा। ये कैजुअल एक वीडियो हमने बनाया है कि आप कैसे इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्या है साइकोलॉजी और ये सारी चीज़, तो वीडियो आएगा, वो ज़रूर देखिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वैसे मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी घर जाने के बाद कोई एनर्जी बचने वाली नहीं है व्लॉग एंड करने के लिए। तो बाय।